हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वीवो Y91i का पैटर्न पासवर्ड कैसे अनलॉक किया जाता है। तो चलिए इसका मॉडल नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा को टच करके स्वाइप अप कर लीजिए, कैमरा ओपन हो जाएगा। एक फ़ोटो खींच लीजिए, उसके बाद फ़ोटो को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप आई बटन पे टच करके यहाँ पे आप देख सकते हैं 1820 मॉडल नंबर है इसका। तो 1820 यानी कि वह वीवो Y91i है। तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न लॉक है फ़ोन। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे अनलॉक किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन में विदाउट एनी बॉक्स, ओनली एक टूल के द्वारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इजीली वन क्लिक में अनलॉक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो अब हम टूल को ओपन कर लेते हैं। टूल को ओपन होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो चलिए हमारा टूल ओपन हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम MTK टैब में ही है। तो अब हम फोन को मॉडल नंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वीवो Y83 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मेट टैब में जाना है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद सेफ मोड को एंट्रिक करके एडवांस में क्लिक कर ट्रिक लगा देना है। अब हमें स्टार्ट बटन में क्लिक करके फ़ोन को करना है कनेक्ट। तो चलिए फ़ोन को करते हैं कनेक्ट। पावर की और वॉल्यूम अप को दबा के हमें रिकवरी मोड को लाना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अब हमें रिकवरी मोड में जाना है। USB को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एडवांस ऑप्शन में जाके पावर की को दबाना है। अब हमें रिबूट विथ ADB में सिलेक्ट करके पावर की को फिर से दबाना है। तो अब हमारा ड्राइवर इंस्टॉल होगा। दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ड्राइवर इंस्टॉलेशन का टाइमिंग अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो फर्स्ट टाइम फेल हो सकता है। ड्राइवर एक बार इंस्टॉल हो जाने से नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्राई कीजिएगा तो एक बार में आपका हो जाएगा। तो आप देख लीजिए पूरा वीडियो। तो कोई प्रॉब्लम ना होने के लिए आपको पूरा वीडियो मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्या करना है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में फेल आ चुका है, क्योंकि मेरा ये फ़ोन मैंने पहली बार कनेक्ट किया है, इसका ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं था इसलिए। तो ड्राइवर अब इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम फिर से फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये सक्सेसफुली होता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन होने के बाद फ़ोन के पावर की को थोड़ी देर के लिए दबा के रखे, फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको पावर ऑफ करना है। अब जैसे कि मैंने पावर ऑफ किया, उसके बाद फिर से हमें पावर की और वॉल्यूम अप को दबा के हमें रिकवरी मोड में लाना है फ़ोन को, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में आ चुका है। अब हम यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। पहले तो हमें USB को कनेक्ट कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट करके पावर की को दबा दीजिए, या तो आप स्क्रीन पे भी टच कर सकते हैं एडवांस ऑप्शन में। यहाँ पे हमें रिबूट विथ ADB में सिलेक्ट करके पावर की को दबाना है।
तो अब हमारा फ़ोन कनेक्ट होगा और फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा एटी मोड में कनेक्ट हो चुका है, फॉर्मेट स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाने की कोशिश की ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थोड़े ही देर में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इसमें, इस प्रोसेस में। तो आप देख सकते हैं डन हो चुका है। तो चलिए फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। तो फ़ोन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको पैटर्न पासवर्ड अनलॉक करने के बाद FRP का प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय।